यो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ थगेश, ये है रमेश, वो है सुरेश, और ये हमारा प्यारा। तो गाइस आज से हम एक नया सफर शुरू करने वाले जो कि है माइनक्राफ्ट थग सिटी में। और गाइस आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तू तो फियरलेस एमपी में था, फियरलेस एमपी कहाँ गई? फियरलेस एमपी रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस अगर आपको जानना है पिछली एसएमपी में क्या हुआ जो हमने एक नई एसएमपी में आई, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना होगा, क्योंकि बाकी की वीडियोस आने वाली है बहुत ही जल्द चैनल पे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक काम किया, वुड तोड़ी, वुड के बनाए हमने प्लैंक्स, प्लैंक्स के बनाए हमने स्टिक्स, स्टिक्स में से थोड़े से जो प्लैंक्स बचे उसको हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाया, उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल रखा नीचे, उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल में थोड़े से वुड के टूल्स बनाए जैसे स्वर्ड, एक्स और पिकैक्स। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टोन माइन करा और हम आ चुके थे स्टोन एज में। तो हम यहाँ से जा ही रहे थे कि हमें देखिए पम्पकिंस हैं यहाँ पे, तो हमने कहा चल उठाए लेते हैं, बाद में कभी काम आएंगे, फिलहाल के हमें खाने की ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाना कलेक्ट करता हूँ। फिलहाल इतनी शीप्स को मारने के बाद मेरे पे वूल इकट्ठी हो गई थी एक बेड बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे फटाफट एक अपने लिए बेड बना लिया। उसके बाद मेरे पे दो वूल एक्स्ट्रा बची थी, तो मैं वो फियरलेस को दे दी ताकि वो भी अपना एक बेड बना सके। उसके बाद फियरलेस भाई ने बुलाया हमें। यहाँ पे एक काम करेंगे अपन, पूरे यहाँ पे पूरा जंगल काट देंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेन जगह हो जाएगी, यहाँ पे फिर घर वगैरह बनाएंगे। नहीं आगे चल देते हैं, ये जंगल को रहने देते हैं, जितनी वुड का क्या करना है, यहाँ घर बना लेंगे छोटा सा। ये भी है, देख लेंगे। चलो अभी चलो 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 आगे चलो, अनुराग भाई चले। उसके बाद निकल के हम ऐसी जगह ढूंढने जो बिल्कुल प्लेन हो, जहाँ पे हम अपना एक घर बना सकें। तो मैं रास्ते में जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पे कोल दिखा, मैंने कहा चलो ले चलते हैं आगे, फर्नेस वर्नेस में कुछ स्मेल्ट करने का काम आ जाएगा। कहाँ से आते हैं? तो भाई थोड़ा आगे जाने में मुझे ये वाली जगह दिखी, मेरे को लगा यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है, तो यहाँ पे मैं नीचे आया बेड एम एल जी करके, और यहाँ पे मैंने सोचा यहीं इसको एरिया को क्लियर करते हैं और यहाँ पे अपना सा एक घर बनाते हैं छोटा सा फिलहाल के लिए, क्योंकि रात भी होने वाली है। तो मैंने सबको यहाँ बुलाया फटाफट, और सब ने यहाँ पे मिल के एरिया क्लीन करवाया और यहाँ पे छोटा सा घर बनाया। तो गाइस फिलहाल के लिए भी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया था कि अनुराग भाई ने पीछे से बोला। ये कौन है भाई, बॉब द बिल्डर? बॉब द बिल्डर, एचएस बॉब द बिल्डर, बॉब द बिल्डर, घर कैसे दिखाएंगे? बॉब द बिल्डर, हां भाई हां, बॉब द बिल्डर, घर कैसे दिखाएंगे? बॉब द बिल्डर, हां भाई हां। तो गाइस इसके बाद हमने कैसे जैसे तैसे छोटा सा घर बना लिया मॉब से बचने के लिए। कहां बवासीर बना दिए हो? म्यूजिक The next day. तो गाइस अगले दिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाना स्मेल्टिंग के रखा, जिसको चाहिए होगा ले लेगा। A few moments later. तो उसके बाद मैंने घर के साइड में एक छोटी सी माइन बनाई और मैं आ गया उस पर माइन करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारा आयरन चाहिए होगा, क्योंकि हम सबको आयरन आर्मर भी तो बनाना है अपने लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। जैसे कि अनुराग भाई पीछे घर बना रहे थे, फियरलेस भाई खाना ढूंढने गए हुए थे, और केशव भाई भी माइनिंग पे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी माइन कर लेता हूँ। मैं माइन कर ही रहा था कि तभी मुझे देखो आयरन मिल गया। तो गाइस यहाँ फिलहाल के लिए मुझे 8 आयरन मिल चुके थे, तो मैंने सोचा इसका आयरन का ऊपर सबसे पहले स्मेल्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका क्या बना सकते हैं हम सबके लिए। तो मैं ऊपर आया स्मेल्टिंग के लिए और फियरलेस भाई मर्जी लेने लग गए मेरे से, इन्होंने आयरन का और निकाल लिए फिर वापस भी रख दिए। तो गाइस यहाँ पे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैंने सोचा सबके लिए एक शील्ड ही बनाते, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से यहाँ 4 शील्ड बनाई और सबको एक एक शील्ड दे दी। अनुराग भाई को उनकी दे दी, फियरलेस भाई को उनकी दे दी, केशव भाई अभी नीचे माइन में थे, उन्होंने कहा मैं बाद में ले लूँगा, और मैंने अपनी तो वैसे ही अपने पास ले रखी थी। तो उसके बाद फियरलेस भाई और मैं गए खाना इकट्ठा करने। उसके बाद हमें जितना खाना मिलता हमने सारा खाना स्मेल्टिंग पे रख लिया और इक्वल इक्वल बांट लिया। उसके बाद हमें पता चला केशव भाई को इतना आयरन मिल चुका था कि उन्होंने अपना आधा आयरन आर्मर बना लिया था, तो हमने सोचा चलो एक बंदे का तो आयरन आर्मर बन गया, अब हमें 3 का और बनाना है। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए ऊपर चेस्ट पे सामान रख रहा था कि मुझे पता चला केशव भाई को डायमंड्स मिल गए हैं, तो मैं नीचे देखने के लिए गया। और यहाँ मैं नीचे जा ही रहा था कि गलती से मेरा पैर फिसला और मेरी एक पिकैक्स फियरलेस को लग गई और एकदम से लाइट बंद हो गई और यहाँ एकदम से भगदड़ मच गई। कौन किसको मार रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, जहाँ पता नहीं चल रहा था कौन किसको मारे जा रहा है, कभी किसको किस लग रही थी। और यहाँ पे फियरलेस ने शील्ड ऊपर कर रखी थी, मैंने भी ऊपर कर रखी थी, एकदम से पता नहीं क्या हुआ किसी फोर्स ने मुझे पीछे की तरफ धकेला। उसके बाद केशव भाई ने फटाफट यहाँ पे टॉर्च ला दी, इससे लाइट हुई और फटाफट हम सब ऊपर आ गए।
गाइज अगर आपको जानने की फील है एसएमपी में ऐसा क्या हुआ जो हमने नई एसएमपी बनाई, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लिए क्योंकि उसकी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द चैनल पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।